आयतुल कुर्सी एक लंबी आयत, जैसे आयतुल बिर एक लंबी आयत थी। और इसको हुजूर ने फरमाया है सैयदत आयातिल कुरान, पूरे कुरान मजीद की आयत की सरदार है यह। और ये शिर्क फिस सिफात के जिम्न में ये शमशीर काते है, शमशीर बुरहान है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम, ये वही है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद अल हय, अल्लाह जिंदा है, लेकिन उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी पर कयास न करना। तुम्हें खुराक की एहतियाज है, उसे कोई जरूरत नहीं। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युत्इमून, मुझे कोई एहतियाज नहीं कि मुझे कोई रिस्क पहुंचाएं, रिस्क दें, मुझे खिलाएं, मुझे कोई जरूरत। फिर तुम्हारी हयात, नींद, ऊंग, थकान, इन तमाम कमजोरियों के साथ है। वो अलहई है, अपनी जात में खुद जिंदा है, हयात उसकी जाती है, किसी और ने अता नहीं की है। हमारी तो मुस्तार है, उम्र दराज मांग के लाए थे, चार दिन दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। और अल कय्यूम बकिया पूरी कायनात के लिए वही है, उसको थामे हुए है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल हय हयात कामिल, कि उसको न नींद आती है न ऊंग आती है। लहू माफिल समावात माफिल, आसमान और जमीन में जो कुछ है उसी की मिल्कियत है। तुम कस्टोडियंस हो, तुम अमीन हो। ई अमानत चंद रोजा निजमास, दर हकीकत मालिक शे हर शे खुदास, यहां तक कि ये मेरा जिस्म भी मेरे पास अमानत है। मैं कौन हूं, मेरी खुदी, मेरी अना, मेरी रूह जो पोजेस करती है इस बदन को, लेकिन ये पोजेशन मिल्कियत का नहीं है, अमानत का है। ई अमानत, ये हाथ भी अमानत है, मेरी जबान भी अमानत है, मेरी आंखें भी अमानत है। मंजल लजी यशफा इंदहु इल्ला बिइज़्निही, ये यहां पर अंदाज बड़ा पुरजलाल, कौन है वो जो शफात कर सके उसके दरबार में मगर उसके इज़्न से। किसी का जाती, किसी का जोर, किसी का इख्तियार नहीं है कि जिसकी बिना पर वो शफात करे, हाँ अल्लाह के इज़्न से। और दूसरी जगह पर आता है जिसके लिए वो चाहेगा और जिसको इजाजत देगा, जैसे कि आता है अम्मा यतसालून में, यौम यकूमु रूह वल मलाइकतु सफ्फन, और उनमें से कोई भी बात नहीं कर सकेगा, कलाम नहीं कर सकेगा। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़न लहुर रहमान, सिवाय उसके जिसे रहमान इजाजत दे। वकाला सवाबा, और सही बात करेगा, कोई गलत बात नहीं करेगा। यालमु मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, वो तो जानता है जो कुछ भी उनके सामने है और उनके पीछे है, और ये कोई इहाता नहीं कर सकता मखलूकात में से, उसके इल्म में से किसी का भी, सिवाय उसके जो वो खुद चाहे। यहां बड़े ही लतीफ अंदाज में शफात बातिला के तसव्वुर की नफी हो गई। देखिए, आप कहीं जाकर किसी मजिस्ट्रेट से सिफारिश करते हैं तो क्या कहते हैं, अजी ये फाइल के ऊपर जो कुछ है आप इस पर न जाइए, ये गवाहियां वगैरह झूठी हो गई हैं, मैं आपको बताता हूं असल बात क्या है। अल्लाह के सामने कोई ये कह सकेगा, अल्लाह तेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में है। यालम मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम, वो तो जानता है जो कुछ उनके सामने और जो कुछ उनके पीछे है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, और इनमें से कोई भी, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूं, बरेलवी मरकब फिक्र भी कह रहा है कि अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जितना है, ला महदूद नहीं है, महदूद है, कदीम नहीं है, हादिस है। तो जितना अल्लाह चाहता है, जिसके लिए जितना चाहता है, लेकिन उसके इल्म में से अहाता नहीं कर सकता कोई मगर जो वो चाहे। वसे कुर्सी समावात वल्अर्ध, उसका इख्तदार छाया हुआ है, मस्तौली है, आसमानों पर भी और जमीन पर भी। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और उसे आजिज नहीं कर सकती उन दोनों की हिफाजत। कय्यूम वही है, समद वही है, लेकिन उसे कोई तकान तारी नहीं होती, आजिज नहीं होती। ये असल में नफी है जो तौरात हाफ़ज़े से मुरत्तब की गई थी,
587 में नबूकदनज़र का जो हमला हुआ था उसमें असल तौरात गुम हो गई, उस वक्त से आज तक वो असल तौरात इनके पास नहीं। पीरियड ऑफ कैप्टिविटी से वापस आए हैं बैतुल मुकद्दस में साइरस के लुत्फो करम की वजह से, ज़ुल्करनैन के लुत्फो करम की वजह से, फिर याददाश्तों से लोगों ने वो तौरात मुरत्तिब की है, तो उसमें इंसानी फिक्र शामिल हो गया। लिहाजा वहां ये लिखा है अल्लाह ने 6 दिनों में आसमान और जमीन पैदा किए और 7वें दिन आराम किया, यानी कोई तकान लायक हो गई। कुरान ने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह काफ में, वलकद खलकन समावाते वल्लर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन वमा मस्सना मिन लुगूब, यकीनन हमने आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के माबैन है उन्हें 6 ही दिनों में पैदा किया, वो बात ठीक है, लेकिन हमें कोई तकान लायक नहीं हुई कि हमें किसी आराम की जरूरत हो। ला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवा अल अलीयुल अज़ीम, अल अली वही है सबसे बुलंद बाला, लितकून कलिमतुल्लाह हियल उलिया, ताकि अल्लाह का कलमा सबसे सरबुलंद हो जाए, और वही अजीम है अजमत वाला। अल्लाह ताला मुझे और आपको इससे बचाए, अपने साबिका जिंदगी के गुनाहों पर तौबा करने की और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने दीनी फ़राइज की अंजाम दही के लिए कमर बस्ता हो जाने का अज़्म मुसम्मम कर लेने की तौफीक अता फरमाए।